गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग करंट दिस इज पास टू अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम. व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उन्होंने एक रेजिस्टर किया हुआ है और एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है. ओके और इस रेजिस्टेंस की उन्होंने वैल्यू देके रखी है, आर इज इक्वल टू कितने देके रखी है, 20 ओम्स देके रखी है. अब यहां पे क्या हो रहा है, एक अल्टरनेटिंग करंट आई पास कर रहा है. सो फार सो गुड. अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी बात पूछी, व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द साइकिल. तो हम जानते हैं आई की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ आई, ओके 10 एम्पियर, 10 ए देके रखे, मतलब 10 ए साइन ओमेगा साइन 100 पाई टी. ओके अब ये आई, ये 10 ए क्या है, मतलब 10 एम्पियर देके रखी है यहाँ पे. ओके क्योंकि साइन के साथ जो एंगल होता है वो तो यूनिट लेस होगा, ये पूरा जो होगा वो यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस. तो ओवरऑल यूनिट तो आई की है तो 10 एम्पियर. ओके तो आई, इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 एम्पियर हो गई. करेक्ट बात है. अब आई आर एम एस निकाल लेंगे क्योंकि ये तो करंट की पीक वैल्यू है. तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू. तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 10 बाई रूट टू, करेक्ट एम्पियर्स. अब नेक्स्ट हम पावर ऑफ एवरेज निकाल, पावर एवरेज क्योंकि उन्होंने ये बोला है पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितना एवरेज पावर कंज्यूम करेगा. तो पावर एवरेज कितना होता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर. तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर. आर की वैल्यू कितनी होगी, 20. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200. तो 2 वन जा 2 टू 10 जा, यानी कितना आ गया, 1000 वॉट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.